नमस्कार, आप देख रहे एएमवी नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बिहार की धरती से गांधी जयंती पर जाति गणित का फार्मूला नीतीश कुमार की सियासी प्रयोगशाला से ऐसे निकला कि ये सीधा 2024 का चुनावी दांव बन रहा है। इसी रिपोर्ट के साथ बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सीधा मोदी सरकार को घेर लिया है और कहा है कि हमने कम समय में प्रदेश में जाति जनगणना करा दी है, अब देश में जनगणना कब होगी। अब इसी को लेकर राजनीति भी बहुत तेज हो गई है। रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट के बाद इसी पर चर्चा। बिहार की धरती से गांधी जयंती पर जातीय गणित का फार्मूला नीतीश कुमार की सियासी प्रयोगशाला से ऐसे निकला है कि ये सीधा 2024 का चुनावी दांव बन रहा है। बिहार में हुई जाति आधारित गणना की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में पिछड़ा वर्ग 27.13% है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01% है और सामान्य वर्ग 15.52% है और ओबीसी 36.1%, अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.68%। बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ से ज्यादा है। बिहार में हुई जाति आधारित गणना की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में किस जात की कितनी आबादी है। ब्राह्मण 3.67%, राजपूत 3.45%, भूमिहार 2.89%, कायस्थ 0.60%, यादव 14.26%, कुर्मी 2.87%, तेली 2.81%, मुसहर 3.08%, सोनार 0.68%। इसी रिपोर्ट के साथ बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सीधा मोदी सरकार को घेर लिया और कहा कि हमने कम समय में प्रदेश में जातीय जनगणना करा दी, अब देश में हो जनगणना। बाधाएं जो है पैदा करने की कोशिश की गई भाजपा द्वारा, और जब हम नेता विरोधी दल थे तभी सदन में हमने प्रस्ताव रखा था और माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ापन था कि उस समय एक कमिटी, ऑल पार्टी कमिटी जो है प्रधानमंत्री जी के पास हम लोग गए थे, हमने ही प्रस्ताव रखा था कि प्रधानमंत्री जी से मिला जाए। जब बातें आ रही थी कि देश में जो है पार्लियामेंट में सवाल उठा तो उन्होंने मना कर दिया था सरकार ने, भारत सरकार की कराने से, तो हम लोग बेचैन हो गए कि भाई ये प्रस्ताव हमने रखा था बिहार विधानसभा में। दूसरा ये प्रस्ताव रखा था कि प्रधानमंत्री जी अगर नकार देते हैं, मना कर देते हैं, तो बिहार सरकार जो है अपने बलबूते जो है ये चीज कराए। तो आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री जी ने नकार दिया, लोकसभा में नकारा गया, राज्यसभा में नकारा गया। जाति जनगणना के सियासी संग्राम में एक पक्ष इसे सामाजिक क्रांति और चुनावी एजेंडा बता रहा है, वहीं दूसरा पक्ष इसे भ्रम फैलाने वाली रिपोर्ट बता रहा है। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलके राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। अब ये रिपोर्ट कार्ड जातीय जनगणना का देकर के लोगों में भ्रम के सिवा और कुछ नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री की पार्टी इसे पिछड़ों की सोचने वाली नीतीश मॉडल बताते हुए मोदी सरकार पर हमला बोल रही है। अब नीतीश कुमार की तुलना सीधा कर्पूरी ठाकुर बीपी सिंह से कर रही है, तो बीजेपी पूछ रही है कि आबादी के साथ साथ आपने हर जात की आर्थिक स्थिति का आंकड़ा क्यों नहीं बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क।
जो रिपोर्ट पेश की गई है इसमें बिहार में पिछड़ा वर्ग 27.13% और वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात की जाए तो 36.01% है और सामान्य वर्ग की अगर बात की जाए तो 15.52% बताया गया है। वहीं ओबीसी की अगर बात की जाए तो ये 36.1% बताया गया है। अनुसूचित जाति की अगर बात की जाए तो 19.65% है। वहीं अनुसूचित जनजाति की बात की जाए तो 1.68% बताया गया है। इस लिहाज से बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ से ज्यादा बताई गई है, लेकिन अब इसमें लगातार जो वार पलटवार का दौर है वो देखने को मिल रहा है। बीजेपी इसको भ्रम फैलाने वाली रिपोर्ट बता रही है, जबकि जेडीयू इस रिपोर्ट के आधार पर यह बता रही है कि इससे गरीब तबके को कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा, गरीब लोगों को तमाम योजनाओं का लाभ मिलेगा सीधा, इसलिए यह रिपोर्ट लाई गई है। पिछड़ा वर्ग यानी कि 27.12% है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो लगातार हम आपको बता भी रहे हैं 36.01% बताया गया है इस रिपोर्ट में। और इस रिपोर्ट को अब बीजेपी और इसके साथ ही जेडीयू जो है उन दोनों के बीच में वार पलटवार का दौर जारी है और इस रिपोर्ट के आधार से अब ये देखा जा रहा है, सियासी पंडित ये बता रहे हैं कि इसे 2024 के चुनाव को लेकर देखा जा रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका आपसे परिचय करा दें। हमारे साथ अनामिका सिंह है, प्रवक्ता बीजेपी है, और अनुप्रिया है, प्रवक्ता जेडीयू से है, और रत्नेश मिश्रा है, प्रवक्ता कांग्रेस से है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एमवी नेटवर्क पर। सबसे पहले मैं शुरुआत अनुप्रिया आपसे ही करूंगा इस डिबेट की। अनुप्रिया, जिस तरीके से जात आधारित गणना की गई है, ये जनहित है या फिर राजनीतिक है? और अगर जनहित है तो इससे किस तरीके से जनता को लाभ होगा? अनुप्रिया से हमारा संपर्क नहीं सज पा रहा है, हम अनामिका के पास पहुंचेंगे। अनामिका, जिस तरीके से ये जनगणना की गई है, ये जनगणना जाति जनगणना से किस तरीके का लाभ मिलेगा? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सत्य? जी जी जी, पहुंच रही आवाज आपकी। जी जी जी, सत्य जो उद्देश्य है सर्वेक्षण को लाने का, वो कहीं से भी है, सर्वे को लाने का, वो कहीं से भी किसी के विकास का नजर नहीं आता है। क्योंकि जब भी हमें किसी का विकास करना होता है तो हमें आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े तौर पर व्यक्ति को देखना चाहिए। समाज में किसकी क्या जगह है और कोई कहाँ स्टैंड करता है और किसको कहाँ स्टैंड करना चाहिए। तो ये किसी भी बुद्धिजीवी व्यक्ति को समझ नहीं आएगा कि हम जाति के आधार पर, किस जाति के आधार पर, जनगणना के आधार पर किसी की भी उन्नति कैसे कर सकते हैं। और जिस तरह की मानसिकता रही है यहाँ पर, जो दल बिहार में काम कर रहे हैं, इस समय सत्ता में है, उनकी मानसिकता हमेशा समाज को टुकड़ों में बांटकर, भारतीय लोगों को टुकड़ों में बांटकर, हिंदुओं को टुकड़ों में बांटकर राज करने की उनकी मंशा रही है। एक जाति विशेष की बात करके वो दूसरे लोगों का हमेशा वर्ग लाते रहे और सत्ता में आसीन होते रहे। तो अगर वो ये सोचते हैं कि वो ऐसा करके दिग्भ्रमित करेंगे फिर बिहार की बुद्धिजीवी जनता को, तो सत्य में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने जा रहा है। ठीक है अनुप्रिया जी, जिस तरीके से जाति आधारित गणना की गई है, ये जनहित है या फिर राजनीतिक है? इसमें भी कोई राजनीति देखने को मिल रही है, क्योंकि बीजेपी इसको भ्रम फैलाने वाली रिपोर्ट बता रही है। सत्यन जी, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। एक तरफ सुशील मोदी जी वो क्रेडिट लेने की होड़ में लगे हैं और कह रहे हैं कि भाई कि ये जो जातीय जनगणना, जाति आधारित जो गणना हुई है, या विपक्ष की जब सरकार में थे बीजेपी और जेडीयू तब की हुई है। तो जेडीयू के, बीजेपी के जो प्रवक्ता है, थोड़ा मुझे लगता है कि होमवर्क कर लेना चाहिए, या ये बीजेपी के अंदर में अंतर्द्वंद चल रहा है कि अब जो इनके मानसिकता थी, जो पिछड़े दलित, अति पिछड़ा और पिछड़े के जो खिलाफ में इनकी राजनीति होती है, ये इनके अब पार्टी के अंदर द्वंद चालू हो गया कि समझ नहीं पा रहे कि हम किस स्टैंड के साथ जाए। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जाति जनगणना जो है यह देश की मांग है, क्योंकि अगर आपने महिला आरक्षण बिल को देखा होगा तो उसमें भी यह बात कहा गया है कि जाति गणना होगी, परिसीमन होगा, गणना होगी, उसके बाद में यह लागू होगा। ये तो संवैधानिक प्रक्रिया है और ये देश में कोई पहली बार तो हुई नहीं है। तो पहले तय कर ले बीजेपी के लोग कि क्रेडिट लेना है कि सरकार की बुराई करनी है। क्योंकि जो देश में अगर आरक्षण सिस्टम जो लागू है सत्यम जी, वह आपकी जाति गणना के आधार पर ही है। ठीक है, तो आप आरक्षण की बात अगर करते हैं तो इसका मतलब कि जाति गणना के विरोधी आप आरक्षण विरोधी भी हैं। सरकार कैसे किस जाति को समझेगी या किस व्यक्ति के, क्योंकि हमारा मानना है कि समाज में हर एक व्यक्ति जो सामाजिक विकास से पिछड़े पैदान पे रह गया है उसको भी जोड़ना कि उसकी भी विकास हो सके। तो सरकार ने, हमारी सरकार ने केंद्र की सरकार से मांग की कि आप कीजिए।
लेकिन इनकी मंशा ही नहीं थी कि यहाँ तक कि एक तरफ सामने से कहते कि हम पक्षधर हैं, लेकिन हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में विरोध में पिटिशन दायर करने वाले जो है बीजेपी के लोग थे और आरएसएस के लोग थे। और मोहन भागवत जी कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, आप मोहन भागवत जी का बयान सुन लीजिए, इन्होंने कहा है कि जैसे 200 सालों तक किस तरह से इसमें जनता का किस तरीके से थे, ये तो बताइए एक बार आप ये तो समझाइए हमारे दर्शकों को कि इसमें अनुप्रिया जी जनता का क्या हित है, कैसे जनता को लाभ मिलेगा, क्या अति पिछड़ा वर्ग पहुंचेगा तो उसको राशन क्या 5 किलो अधिक मिल जाएगा या फिर नौकरियों में आरक्षण मिलेगा, इस चीज को जरा डिफाइन करिए, या फिर ये एक केवल राजनीतिक हथकंडा है 2024 आगे दिख रहा है। सत्यम जी, जब आप रिपोर्ट को, कई रिपोर्ट जिसमें पढ़ेंगे, जिसमें रोहिणी आयोग की रिपोर्ट भी आएगी, जिसमें लोग कहना यह है कि जो अगर पिछड़ा वर्ग है उसमें से कुछ ही जाति के लोग हैं जिन्होंने पिछड़े वर्ग के आरक्षण का लाभ उठाया है। कई वर्ग तो अभी ऐसे हैं कि जिनको उनके परिवार के लोग ना नौकरी में हैं ना शिक्षा ले पा रहे हैं, वैसे लोग, वैसी जाति हमारे यहाँ हमारी सरकार ने पिछड़ा में भी अति पिछड़ा किया है कि वैसी जाति जो मुख्यधारा से विकास की धारा में नहीं जुड़ पाई है उनको जोड़ने का प्रयास किया गया। तो आप इसमें जो आरक्षण के सिस्टम है, ये आरक्षण लागू करने का जो अधिकार होता है वो केंद्र सरकार की होती है। हम तो आपको डेटा दे रहे हैं, हम तो बता रहे हैं कि कई ऐसे, हम अभी भी, हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं भाई, 75 साल मना रहे हैं, लेकिन अभी भी देश की आबादी में कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ नहीं मैं कहती हूँ कि अभी नंबर ऑफ जो है लोग ज्यादा हैं जो अभी तक आपके देश के योजनाओं से, राज्य की योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, अभी भी भूखे पेट सो रहे हैं, आपको मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है। तो वैसे लोगों के विकास के लिए इस तरह का जो जाति इस चीज को मैम आपको देखना चाहिए ना, सबसे अधिक तो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ही बिहार में दिखे हैं ना, चमके हैं, तो इस चीज पे आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, कहीं ना कहीं आपकी नाकामी है। हमने ध्यान ठीक दिया, रत्नेश जी ठीक है, रत्नेश जी को समय देते हैं। केंद्र की सरकार विफल रही तो हमने अपने अपने कोष से, अपने पैसे के बिना केंद्र सरकार की मदद से हमने जाति जनगणना कराई, और इसी के आधार पे जो व्यक्ति मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाए उनके लिए योजना बनेगी कि उनको भी, उनका उनका परिवार भी इस लाभ को उठा सके। रत्नेश जी की क्या राय है आपकी इस जाति जनगणना को लेकर? देखिए सत्यम जी, अभी हमारे गठबंधन की जो साथी बहन हमारी है अनुप्रिया, उनसे आपने एक सवाल पूछा था कि इसका फायदा क्या है, तो उसका जवाब मैं आपको देता हूं, क्योंकि मेरे गठबंधन की पार्टी से आपने सवाल पूछा और वहां की सरकार में चाहिए। मैं गठबंधन में है आप सत्यम जी, आप भी और भारतीय जनता पार्टी के लोग, नेता और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़े, जहां ये कहा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, हम भारत के लोग, भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय उपलब्ध कराएंगे। क्या करेंगे? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय जो है वो उपलब्ध कराएंगे। अब मैं आपको चीज बताता हूँ, सामाजिक रूप से जो जातियां पिछड़ी रहेगी, अगर एक जाति का हमारे पास एक कैलकुलेटिव डेटा है, तो हम ऐसी सोशल पॉलिसीज बना सकेंगे सरकार में जिससे उनका सोशल अपलिफ्टमेंट हो, उनको सामाजिक तौर पर उनकी उन्नति की जा सके। दूसरी बात, आर्थिक न्याय की बात की गई, आपने पूछा अभी हमारी बहन से कि नौकरियां मिलेंगी, बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगी, क्योंकि जब हम उस अति पिछड़े वर्ग के लोगों का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे सरकारी नौकरियों में, विधानसभा में देखेंगे, लोकसभा में देखेंगे, विधान परिषद में देखेंगे, राज्यसभा में देखेंगे, तो हमें पाएंगे कि उनका रिप्रेजेंटेशन उनकी उनकी जनसंख्या के आधार पर है या नहीं। तो उसको हम एक डेडिकेटेड पॉलिसी जो बनाएंगे, वो पॉलिसी डेडिकेटेड रूप से उस क्लास या उस वर्ग को डिलीवर की जा सकेगी। तीसरा, राजनीतिक न्याय की बात की गई सत्यम भाई, हमने आपको बताया कि भैया अगर ब्राह्मणों की 3.56% वहां पर जनसंख्या है, तो हर एक पार्टी 3.56% टिकट ब्राह्मणों को दे, हर एक पार्टी अपने मंत्रियों की सूची में 3.56% ब्राह्मणों को मंत्री बनाए, वो 27% पिछड़ों को मंत्री बनाए। दूसरी बात, यहाँ पर मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन है सत्यम भाई। मोदी जी जब कहते हैं कि मैं पिछड़े वर्ग से आता हूँ, तो सबसे ज्यादा इस जातीय जनगणना का फायदा तो पिछड़े वर्ग को हो रहा है,
हाँ वो टोटल 85% 63% के आसपास जाके बन रहा है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी कास्ट संसद का विरोध करके या केंद्र में उसको ना लागू करके पिछड़ों का विरोध कर रहे हैं? क्या वो चाहते हैं कि पिछड़ा कोई इतना मजबूत ना हो, कोई कोई पिछड़े वर्ग से दूसरा नरेंद्र मोदी ना आए? ठीक आपको मेरी एक बात समझनी होगी सत्यम भाई, किसी एक क्लास से किसी वर्ग से एक को आपने राजा बना दिया और दूसरों का कोई अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ तो वो राजा बनाने का कोई फायदा नहीं है भाई। और ये मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दिल खोल कर इस जातीय जनगणना का स्वागत करना चाहिए, अगर नहीं कर रहे तो आत्मघाती कदम है उनके लिए। ठीक है ठीक है। और संविधान का उल्लंघन है, वो संविधान का उल्लंघन है। मैंने संविधान की उसका प्रस्तावना का हवाला देते हुए आपको समझा दिया कि ये तो संविधान बात करता है भाई। अगर इसका विरोध कर रहा है मतलब आप संविधान का विरोध कर रहा है, और संविधान का विरोध करने के बाद किसी भी पार्टी को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं रह जाता। ठीक है, मैं वापस आऊंगा रत्नेश जी आपके पास। अनामका जी, क्या पिछड़ों के खेल में नीतीश से पिछड़ गई है बीजेपी? सबसे पहले मैं अनुप्रिया जी की बात का जवाब देना चाहूंगी। हाँ, हम स्वीकार करते हैं कि हमारे समय में ही ये बात उठी कि हमें जातीय जनगणना कराना चाहिए। होमवर्क की कमी आपको है अनुप्रिया जी, शायद आपको पता नहीं कि रोहिणी आचार्य कमेटी भारतीय जनता पार्टी ने इसको चाहा और इसके विषय में बात की। जब हम बात कर रहे थे, मैं अपने दोनों प्रवक्ता लोगों को सुन रही थी, वो बात कर रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं कि पिछड़ा में भी बहुत सारे पिछड़े लोग हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा आरक्षण का लाभ ले लिया है, सुविधाओं का लाभ ले लिया और वो सक्षम से सक्षम होते चले गए, और उसमें बहुत सारी जातियां हैं जो पिछड़ी रह रही है, पिछले पायदान पर खड़ी रह रही है। सत्यम जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी, मेरे मिश्रा जी रत्नेश जी जिस तरह से कह रहे थे संविधान का उल्लंघन, ये लोग वो हैं जिन्होंने आज तक कभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री स्वीकार नहीं किया। जिस तरह की भाषा का उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, ये लोकतंत्र और संविधान की बात करेंगे, और संविधान को थोड़ा ठीक से पढ़ लीजिए, उसमें समान अवसर की भी बात की जाती है, और समान अवसर की जब बात होती है तो किसी जाति की बात नहीं होती रत्नेश जी। और इस देश के लिए, देश को जाते हुए मत बांटिए, आप ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी धर्म में बांट का बहुत विनाश कर चुकी है, बहुत विनाश कर चुकी है। आपके प्रधानमंत्री तो खुलेआम कहते थे, जब आप दोनों सत्यम भाई मैं जवाब इसका जवाब तो अनुप्रिया जी देंगी ना? नहीं, उन्होंने मुझसे पूछा, मुझे मुझे संविधान पढ़ाया तो मैं बताऊंगा। उन्होंने उन्होंने अवसर और प्रतिष्ठा की समानता की बात की है ना, तो उसका जवाब है मेरे। ठीक है ठीक है, मैं वापस आऊंगा, एक एक करके बात रखिए, पहले अनामिका जी की बात पूरी हो जाए, इसके बाद आता हूँ सर आपके पास। आप पहले वो बोलिए, तब मुझे समय दे दीजिएगा, मैं इंतजार करती हूँ। ठीक है बोलिए। आप बोलने में भी धैर्य नहीं रख सकते तो इससे पता चलता है कि आप किस तरह से सोचते हैं। आप बात कर रहे हैं रत्नेश जी, जिनके प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, ये विश्व का एकमात्र ऐसा देश होगा जिसके अल्पसंख्यकों के बहुसंख्यकों के बारे में इस तरह की टीका टिप्पणी देश का प्रधानमंत्री करता है, क्योंकि आपने 70 साल इस देश को बांटा है और इस देश की बहुसंख्यक जनता के साथ आपने हमेशा अन्याय किया है। और अनुप्रिया जी वो लोग हैं, ये बात लालू प्रसाद जी की और नीतीश जी की और मुलायम सिंह की हो, ये वो लोग हैं जिन्होंने लोहिया जी के नाम पे समाजवाद के नाम पे परिवारवाद को बढ़ावा दिया। आप उंगली, आपकी उंगली थक जाएंगी पर आपका गिनती खत्म नहीं होगी कि इनके परिवार ने कितना लाभ कमाया। ठीक, मुख्यमंत्री बनाने की बात होती है तो इनकी पत्नी होती है महिला आरक्षण के नाम पर। ठीक रत्नेश जी, भेजना हो तो इनकी बेटी होती है, मुख्यमंत्री बनाना हो तो बेटा। जाति की बात करते हैं रत्नेश जी, मुझे बात पूरी करने दें। ये जाति के लिए ही अगर ईमानदार हो जाए, अपनी ही जाति के लिए अगर पूरी तरह ईमानदार हो जाए तो क्यों नहीं किसी गरीब यादव के बेटे को लाकर मुख्यमंत्री के पद पर बिठा देते? आप जाति के लिए ईमानदारी की बात करिए। समय की बेहद कमी है। दो लोकसभा चुनाव में पिछले 10 सालों में इस देश का सनातनी हिंद और इस देश का हिंदू जवाब दे एक हो गया है, अपना वो ओबीसी बचा ना स्वर्ण बचा। सत्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वो जागृति ला दी है, वो चेतना ला दी है, प्रवक्ता बहन जो है वो महिला है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, बिल्कुल, लेकिन आपको राइट टू इक्वलिटी जब पढ़ाया जाता है आर्टिकल 14 में तो 14 क्लॉज 1-2 के बाद मैडम उसके एक्सेप्शन शुरू हो जाते हैं 3, 4, 5 एंड 6। आपको वो भी पढ़ना चाहिए कि इन तीनों इन चारों क्लॉजों का इम्प्लीमेंटेशन करते हुए राइट टू इक्वलिटी का वायलेशन किया जा सकता है, उसमें आपको और ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। तीसरी बात, इन्होंने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री के अल्पसंख्यकों के ऊपर के बयान की बात की, तो अल्पसंख्यक केवल मुस्लिम नहीं होता है नामिका जी, अल्पसंख्यक में सिख भी आता है, बौद्ध भी आता है। फिर आप बीच में बोलने लगी, अभी तक आप उसको ध्यान दे रही थी, आप उसका उल्लंघन कर रही है। नहीं मैं, अरे भाई ऐसी बुरा लगता है। आप बोलती रहिए, मैं आप पे ध्यान ही नहीं दूंगा। जैसे देश की जनता ने आप पे ध्यान देना बंद कर दिया, हम भी आप पे ध्यान नहीं देंगे।
उसके अंतर्गत जैन भी आता है, बौद्ध भी आता है, सिख भी आता है, पारसी भी आता है, ईसाई भी आता है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी जैन धर्म के लोगों का विरोध करती है? क्या सिख धर्म के लोगों का विरोध करती है? अगर सिख और जैन माइनोरिटीज को हमारा प्रधानमंत्री ये कहता है कि उनको उनका जो कहता है संसाधनों पर अधिकार होना चाहिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए पॉलिसीज बननी चाहिए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को बुरा लगता है कि जैन और जैन धर्म और बौद्ध धर्म और सिख धर्म के लोगों का अपलिफ्टमेंट इंडिया में किया जाए? अरे मतलब कुछ तो तैयारी करा करिए ना। मैं कहती आप महिला है, मैं आपको क्या बताऊं, बड़ी गजब बेइज्जती है, ये घनघोर बेइज्जती है, आप अपनी ही सवालों में फंस जाएंगी। ठीक है, ठीक है। अगर आप अल्पसंख्यक का विरोध करती है, मतलब अल्पसंख्यक का मतलब केवल मुस्लिम नहीं होता है ना मैं क्या जी, आरएसएस और बीजेपी की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले डेटा से बाहर जो संविधान का डेटा है, बेहद चिंता है आप लोगों को, मैं थोड़ा अनुप्रिया जी के पास पहुंचता हूँ। ठीक है, बेहद चिंता है पिछड़ों की, मैं थोड़ा अनुप्रिया जी के पास पहुंचता हूँ। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, वापस आऊंगा, अनुप्रिया जी के पास पहुंचता हूँ। अनुप्रिया जी, आप चलते हैं थोड़ा नीतीश जी के मंत्रिमंडल में, तो एक लिस्ट थोड़ा मेरे पास जो डाटा सामने निकल कर आया, अगर मैं कहीं गलत हूं उसको करेक्ट जरूर करिएगा। आप दोनों लोग, रत्नेश जी भी बैठे हैं क्योंकि गठबंधन की सरकार है, जरूर बोलेंगे। पिछड़ा जाति से 14 हैं आपके मंत्री, और जबकि यादव हैं 8, और अति पिछड़ा की जिसकी आप लोग बात कर रहे हैं इसमें 3 आपके मंत्री हैं, और जबकि अति पिछड़ा की 36% आबादी है। तो आप लोग पिछड़ों की बात कर रहे हैं और ये रिपोर्ट भी पेश की है, फिर आखिर ये भेदभाव क्यों इनसे अति पिछड़ा वालों से किया जा रहा है यहाँ पर, जबकि नारा आपका ये है जिसकी जिसकी भागीदारी उतना उसका हिस्सेदारी। ठीक है, आपने जो डेटा दिया वो एक जब पहली नजर में वैसा ही प्रतीत होता है जैसा आपने कहा, लेकिन आपने पिछड़ा, अति पिछड़ा और आपने यादव और आप बाकी लोगों की बात आपने कहा, क्योंकि अति पिछड़ा अगर आप देखें, कई हमारे जो 5 हमारे जो मुस्लिम समुदाय से भी आते हैं जो मंत्री हैं, उसमें से क्योंकि जो पिछड़ा अति पिछड़ा की बात हो रही है, सिर्फ वो हिंदू में पिछड़ा अति पिछड़ा नहीं होता है, मुस्लिम में भी आते हैं, तो 3 उसमें मंत्री जो हैं उसमें वो अति पिछड़े से आते हैं। तो अगर आप डेटा को देखेंगे तो उनकी संख्या 6 हो जाएगी, इसलिए वो 3 की जगह 6 होते हैं। आपने उसको उस नजरिए से नहीं देखा। नहीं, मैं आपको करेक्ट कर दूं, मैं आपको करेक्ट कर दूं, ये इसी डेटा ऐसा ही हमारा है। इसलिए जब भागीदारी की बात करते हैं तो बिहार पहला राज्य है जहां पे पिछड़े में भी अति पिछड़े को अलग कर करके सरकार ने उनके कई पैमाने पे उनको आरक्षण देने का काम किया है और उनको अपने मुखधारा से जोड़ने का प्रयास किया। रहा बीजेपी के प्रवक्ता को, मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा कि आपने बांटा है देश को जाति धर्म में। अरे तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को उस समय जब सीना चौड़ा करके कह रहे थे मैं पिछड़ा हूं, मैं पिछड़े समाज से आता हूँ, जबकि वो जन्म से पिछड़ा नहीं है, वो अपने कलम से पिछड़े हैं, उन्होंने अपनी जाति को पिछड़ा में किया है, तो क्या जरूरत था देश के सामने ये बात बोलने की? तो आप जब देश को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बांटने का प्रयास करते हैं, उन्माद फैलाने का प्रयास करते हैं, तो मुझे लगता है वहां आपको रुकने की जरूरत है। हम तो ये फैलाने का प्रयास नहीं कर रहे, हम तो कोशिश ये कह रहे हैं कि जो अभी भी मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाए हैं, जिनका विकास, जो समाज अभी भी 75 साल में भी नहीं जुड़ पाए, उनको हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और ठीक कहा रत्नेश जी ने, आपने जो सवाल किया था वो वही था कि उसमें नौकरी भी आएगी, उनके परिवार का जो रहन सहन है उसमें भी देखा जाएगा, क्योंकि जो आप जिसकी उपलब्धि आप बता रहे हैं देश में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में, वो यह है कि 2014 में 25 करोड़ लोगों को जो है मुफ्त में अनाज मिलता था, आज की संख्या कितनी बढ़ गई है, 85 करोड़ हो गई है। 40 सेकंड में बात पूरी करिए, समय की कमी है, जिनको आप मुफ्त में राशन दे रहे हैं। वापस आऊंगा आपके पास। आप रोजगार की बात करेंगे तो आज देश में पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई है, ये उपलब्धि है, तो देश को ऐसी उपलब्धि नहीं चाहिए, उनको वही चाहिए कि जो आप देख लीजिए, पेट्रोल डीजल का दाम देख लीजिए, गैस का दाम देख लीजिए, और चुप्पी साधे रहते हैं वहां पे, जहां पे मणिपुर की घटना हो जाती है, जहां पे आप देखिए वहां 29 उन्माद पहला सरकार निकम्मी बैठी हुई है, तो इसीलिए आप अपनी विफलताओं को छुपाने का प्रयास नहीं कीजिए, ये देश बिहार की जनता आपकी कुरूतियों से देश लोकतंत्र का देश है, और यहाँ की बिल्कुल जनता ने साबित किया कि 2 लोकसभा चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व उन्होंने स्वीकार किया और शर्माते हुए बताया। वो कांग्रेस बात करेगी, आप बात करते हैं सत्यम भाई, जिन्होंने दर्जनों वकील खड़े किए राम सत्यम भाई,
धार्मिक गाली गलौज जी आपकी पार्टी से हमारे दर्जनों वकील खड़े किए, यही इनका चाल है। ठीक है मैम, आप बात कर, ठीक है मैम, रत्नेश जी फाइनल कमेंट करके बोलिए, एक एक रत्नेश जी का नंबर आने दीजिए, कांग्रेस के लिए मुस्लिम होता है, काम की बात कीजिए, रत्नेश जी का नंबर आने दीजिए। सत्यम भाई जी, सत्यम भाई, सत्यम भाई, मुझे अनुप्रिया जी, सत्यम भाई, मुझे भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बहन की बातों पे घनघोर हंसी आ रही है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि इसे मैं बचकानी बातें समझूं या ज्ञान की कमी समझूं। आपने हिंदी ठीक करी, सुनिए, अरे सुनिए तो, सुनिए तो, अब आप मेरी हिंदी का टेस्ट मत करिए, मैंने आप हिंदी के लेक्चरर हैं, संविधान का टेस्ट कर रहे थे ना। हाँ, मैं संविधान का अध्यापक हूँ, मैं पॉलिटिकल साइंस में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैं क्या जी, मैं पॉल साइंस में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैं पॉल साइंस में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैं पॉल साइंस में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। रुक लीजिए, अब सुन लीजिए, सुन लीजिए, ये कहती है कि कश्मीर में जब हिंदुओं को भगाया जा रहा था, थर्ड फ्रंट की सरकार थी, 80 सांसद उस समय उस सरकार को भारतीय जनता पार्टी की, क्या इनके 80 सांसद और उस समय के नेता इनके अटल बिहारी वाजपेयी, वो उन्होंने उस सरकार को क्यों समर्थन दे रखा था जो हिंदुओं के नरसंहार को नहीं रोक सकी। मैं फिर कह रहा हूँ, पढ़ के आया करिए, मुझे बड़ी तंग टिप्पणी कल्पनी पड़ी है नामिका जी, आप पढ़ के आया करिए, थोड़ा बहुत होमवर्क करके आया करिए, हम जैसे लोगों के आगे आप लोग बेइज्जत हो जाएंगे। किसकी सरकार थी, अब फिर आप फंस जाएंगी। आप जिस राम जन्मभूमि की बात कर रहे हैं, उसके लिए मेरे परिवार ने गोली खाई अपने सीने पे, मत करिए ये सब बातें। ठीक है, मैं फाइनल कमेंट लेना चाह रहा हूँ, समय की कमी बेहद है, पूरी तरह फंस जाएंगी। ठीक है अनुप्रिया जी, फाइनल कमेंट 20 सेकंड में बात पूरी करिए। मत नहीं है, हमने सांस्कृतिक और क्या कहते हैं सांस्कृतिक, सामाजिक राम भक्त है, हम राजनीतिक राम भक्त नहीं है ना, राम का जी मैं राजनीतिक राम भक्ति नहीं करता। आप कितनी बार देखिए, फिर आप बोले ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं वापस आऊंगा। अनुप्रिया जी बात पूरी करिए, इनकी जो गाड़ी है अब जाति से धर्म पे आ गई। देखिए यही इनका है, मैं फिर कहती हूँ, ये काम की बात करते नहीं है, यह बस मन की बात करते हैं। ये देश में जाति उन्माद, ये देश में धार्मिक, आयुष्मान कार्ड की बात मत कीजिए, आयुष्मान कार्ड में सीएजी का रिपोर्ट आपने पढ़ा जी की बात पूरी होने कि एक ही नंबर से 7 लाख लोगों ने आयुष्मान कार्ड का लाभ लिया है, का इलाज हो रहा है, आपने जो आयुष्मान भारत में। ठीक है, समय चोरी भी बिना जोरी भी, अनामिका जी आप फाइनल कमेंट आपसे, देश में चोरी भी किया, लोगों का हक मारी भी किया, आप चिल्ला भी रही है। ठीक है अनामिका जी, फाइनल कमेंट, कुछ नहीं होगा, जनाधार आपकी जो है वो खिसक चुकी है, और जिस ओबीसी के नाम पे आप मैम बोलने दीजिए, उनको भी बोलने दीजिए, ओबीसी के परिवार जिसके आज थाली में खाने को अनाज नहीं है, जिसके घर में युवा बेरोजगार है, और महिलाएं जो है उसे चूल्हा पे खाना बना रही है लकड़ी के, इसलिए वो ओबीसी समाज के लोग आपके साथ में नहीं जा रहे। फेडर डाउन कर दीजिए, बोलिए आप, ऐसी क्या नई चीज आ गई, कितने उत्साहित है और खुश है, जितनी जाति ये इन्हें तय करना पड़ेगा। अब बताना पड़ेगा तेजस्वी जी को कि 14% यादव होने के बाद वो इतने ज्यादा टिकट यादवों को कैसे देते हैं, भारतीय जनता पार्टी इस फॉर्मूले पे टिकट नहीं देती ना। मायावती जी की बात की तरह बात करते हैं कि जूते मारो चार, और ना बिहार की तरह बात करते हैं कि बुरा बाल साफ करो, हम अंत्योदय की बात करते हैं, दीनदयाल जी की पंक्ति के अंतर सत्यम, जनता सब तय करती है, 24 में उसे तय करने दीजिए, हमें से किसी के भी यहाँ करने से कुछ नहीं हो। ठीक है रत्नेश जी, 10 सेकंड में बात पूरी करिए। देखिए सत्यम भाई, हम बिल्कुल जनता को बताएंगे कि इस देश की 10 साल की सरकार में कैग की रिपोर्ट में अरबों का घोटाला हुआ है, आयुष्मान भारत में, द्वारका एक्सप्रेस वे पे प्रति किलोमीटर 232 करोड़ का घोटाला हुआ है, एचएल में 154 करोड़ का घोटाला हुआ है, एनएचआई ने हमसे 132 करोड़ लूट लिया है, राम मंदिर निर्माण में 19.73 करोड़ का घोटाला हुआ है, भारतमाला परियोजना में घोटाला हुआ है, उसके बाद आप चले आइए बजट में जो था उस बजट में 2 लाख करोड़ कहाँ चले गए पता नहीं, अडानी के 20,000 करोड़ किस कंपनी में थे, किसके थे, देश को कुछ पता नहीं है। हम इन सब चीजों पर जाएंगे, इस देश में जो 3 करोड़ बेरोजगार बीएड के जो युवा है, जो इस समय संघर्ष करता है, अनुप्रिया जी 10 सेकंड आपके पास, उन पर भी बातचीत हम करेंगे, हम इन मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएंगे और बताएंगे कि बीजेपी चोर है, पार्टी की सत्ता को बाहर फेंकना है। अनुप्रिया जी 10 सेकंड। ऐतिहासिक कल दिन था जब बिहार की जनता और राज्य सरकार के अथक प्रयास से जिस तरह से जातीय गणगणना हुई है, और हम सरकार के रूप में बतौर वैसे लोगों के लिए हम योजना बना पाएंगे जिनकी अभी भी राज्य के विकास में भागीदारी नहीं हो पाई है, इसलिए और मैं कहती हूँ
कि बीजेपी की सरकार से अगर देश में आप विकास चाहते हैं और देश को आप उन जातियों समय की कमी है, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो आपको बताते चले कि बिहार में अब एक बार फिर से जो रिपोर्ट पेश की गई है, इसके बाद विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है, पक्ष और विपक्ष लगातार वार पलटवार का दौर जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल AMV नेटवर्क।